गोलागतनी समाचार बटुए नासरीगंज अनोखा प्रखंड से पंचायत चुनाव के अंतिम दिन प्रत्याशी लोग प्रचार में झोंक रहल बाड़न पूरा ताकत। खबर तनी विस्तार से जानी। जी रउआ ठीक सुनी, यह प्रखंड में चुनाव प्रचार करे के आखिरी दिन बा। वार्ड सदस्य, मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद सदस्य से लेके पंच, सरपंच सबके प्रत्याशी आपन आपन प्रचार में पूरा ताकत झोंक देले बाड़न। वरिष्ठ संवाददाता अनिल गिरी जब क्षेत्र में पहुंचेनी चुनावी हलचल जाने खातिर, तब अलग अलग पद के प्रत्याशी अपना अपना तरीका से लोग के बीच अपन प्रचार करत मिलन। जहां नासरीगंज प्रखंड में पूर्व प्रमुख पवन कुमार बीडीसी पद की टीमा पंचायत से लोग के बीच अच्छा खासा अवसर में दिखनी, तो वही मंगराव पंचायत से मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र उपाध्याय उर्फ करीमन उपाध्याय जी, धनाव पंचायत से शाहिद अंसारी के पत्नी अफसाना खातून भी अच्छा खासा समर्थन दिखेंगी। आगे भारी भीड़ भाड़ के बीच यहाँ परसिया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी ललिता देवी पति प्रदीप चौधरी के साथ दिखनी। प्रखंड के खिरियाँव पंचायत से मुखिया प्रत्याशी फौजी भाई अपन शपथ पत्र के साथ भीड़ भाड़ में दिखनी। बगल के पोखराहा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी अपन अभिभावक भरत सिंह के साथ सबसे नौजवान संजीव कुमार उर्फ अर्जुन कुमार जी अपन जीत के दावा कर दिखनी। वही नोखा प्रखंड में सिरदा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी चित्तरंजन तिवारी जी के बृहद प्रचार देखे के मिलल। जिला परिषद नासरीगंज पश्चिमी रीमा देवी के पक्ष में बहुत भीड़ के साथे भाई दारा जी प्रचार के क्रम में मिलनी। बता दी एक एक पद पे कई कई प्रत्याशी खड़ा बढ़े, देखे के बाकी जनता अपन पाँच साल के भविष्य के करा हाथे सौंप रहा बिया। भोजपुरिया समाचार लगातार अपडेट करावता आ करावत रही, लगातार खबर दिखावता देखावत रही। देख रखिला सब कोई अपन अपन जीत के दावा करता। पंचायत चुनाव में जनता केकरा के जीत दिलावती है तो आवे वाला समय ही बताई, लेकिन सब कोई अपन जीत के दावा कर रहा बटुए। अब जीत के दावा कितना सच्चाई बटुए, कितना हकीकत बटुए तो आवे वाला समय बताई, लेकिन प्रचार के ताकत झोंक दिले वालों चुनाव होखे वाला बटुए। तीन तारीख के चुनाव बटुए, देखे के बटुए चुनाव में केकरा माथे पे जीत के सेहरा बनत पड़ुए तो आवे वाला समय ही बताई। जनता जरा के सीट पर बैठाई है केकरा के नीचे पटकी तो समय बताई, लेकिन बयान सुनिए, बयान सुनला के बाद शेयर करी आ कमेंट करी। धन्यवाद। से सबसे पहले हमार सवाल रही कि राउर प्रत्याशी के ग्राम पंचायत चुनाव में प्राथमिकता का बा? देखिए सबसे पहला प्राथमिकता तो हमारे ये बा कि पंचायत से हम करप्शन खत्म कर दें। करप्शन तबे खत्म हुई जब एक निस्वार्थ व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करे के वचन दे। ओकरा साथ साथ हमें पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और लाचार, बेबस और बेरोजगार लोग के हर तरीके से मदद करने चाहते नहीं, हर बेरोजगार के रोजगार दे चाहते नहीं, हर लाचार व्यक्ति के मदद कर चाहते नहीं, हर असहाय लोग के सहारा बनना चाहते। यही एक हमारा सबसे पहला प्राथमिकता बा कि हर एक आदमी के ओकर अपन हक मिले, तो हक खातिर हमें पंचायत में प्रयास कर रहा। सर वैसे एगो सवाल आगे हम करब कि इस चुनाव में आखिर बाकी प्रत्याशी के छोड़ के रौरे प्रत्याशी के लोग काहे चुनी? देखिए चुनाव तो बहुत लोग लड़ता है, लेकिन हमारा जितना ज्ञान बा, जितना हमारे समझ में होता, लोग अपना फेरा में लड़ता, अपन व्यक्तिगत मतलब खातिर लड़ता। लेकिन हमार जो प्रत्याशी बड़ी हमारे धर्मपत्नी मंजू देवी, ये पंचायत के एगो लिखित प्रमाण कोर्ट से अपडेट करवा के दिले बड़ी कि हमरा एक रुपया ना चाहिए। ये पंचायत के अगर सरकारी फंड के एक रुपया भी अगर व्यक्तिगत काम में लगाए, अगर कोई साबित कर देता कि ना मंजू देवी मुखिया बनला के बाद अपना व्यक्तिगत काम में एक रुपया लगैली, तो ओकरा खातिर वो कानून के दोषी होयन, ये समाज के दोषी होयन, आ ये वो समाज उनकरा के जोन भी दंड दही, कानून जोन भी दंड दही, वो पर पहले ही कोर्ट से अपडेट करवा के पंचायत के समर्पित कर दिले। और बात देख लाग रहा बा रुआ समाज से काफ़ी अनुभव रख ले बनी, कुछ ऐसा काम बता सकला ये समाज खातिर जौन कैले हो कि बाकी दूसर लोग ना कैले हो? देखिए
समाज में तो अपने आप के बहुत लोग नेता के नाम दे देता, लेकिन नेता के मतलब का होला और नेता के होला लगभग बहुत कम आदमी इस चीज़ के जाना तरह ना। अभी ना जनरले कहते हैं कि हम नेता हैं, हम तो नेता ना ही, हम देश के एगो सैनिक हैं। आ हमारा जितना हम माने भारत के हर कोना कोना तक हमने विदेश में भी हम गोल बने, सारा कुछ देखला के बाद हमरा लागल कि भाई हमारे भारत में भी ऐसा बहुत जगह बा जहाँ के हर सुविधा मिलता, हर आदमी के सुविधा वो मिल जाता जो उनकी ज़रूरत बा। लेकिन हमारा पंचायत में बहुत ऐसा चीज़ बा जो उनके हमारा पंचायत के पब्लिक के नहीं मिल पावत। रउरा अब देश के एगो जवान बनी जी, अंदर बहुत जज्बा बा, काम करे के लगन बा। रउरा का लगता राउर प्रत्याशी अगर जीत जा रहा बड़ी तो रउरा एक ग्राम पंचायत में काम के रूपरेखा कैसन करब? देखिए हम शपथ एगो ले बनी, अपने आप में एगो हम शपथ ले बनी कि पंचायत के आदर्श पंचायत के नाम से स्थापित करी। आ ये पंचायत आदर्श पंचायत के नाम से तबे स्थापित हुई जब ये पंचायत के मुखिया, ये पंचायत के मुखिया निस्वार्थ सेवा करे, एक सेवा भाव से सेवा करे, सारा कुछ त्याग के पंचायत के नाम सारा अपना समर्पित कर देवे, तबे पंचायत के आदर्श पंचायत बनावल जा सकता। अंतिम सवाल सर रुआ से वो हम कल चाहब कि समाज में कुछ ऐसा भी व्यक्ति बा जो आज तक अपना मुखिया के पास पहुंच ना पाई या जान ना पाई, वो व्यक्ति खातिर वह का करब? देखिए बहुत लोग आप जो मुखिया के चुनाव लड़ता एगो पेशा बना दिले बा कि हमारी बिजनेस है, हमार मर्जी चली, लेकिन हमें पंचायत के को वचन देता नहीं कि पंचायत के लोग मुखिया भी ना आई, मुखिया पंचायत के लोग के पास जाई, अगर ना जाई तो रुवा के पहले भी हम कहा चुकल बानी कि कोर्ट के अफिडेविट दिल बा पंचायत के एक एक आदमी अगर खुश ना भइल तो जवन रुवा सब कहब ओ पर मुखिया रुवा सब के तैयार रह। रउरा के बहुत बहुत बधाई, भोजपुरिया समाचार चैनल में रउआ सहयोग कनी, धन्यवाद।